तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में वार पलटवार जोरदार चल रहा है। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह सामने आए हैं, पलटवार कर रहे हैं बीजेपी पर। सुनिए, भाजपाइयों, तुम्हारी किसी भी प्रकार की बंदर घुड़कियों से ना तो अरविंद केजरीवाल डरने वाले हैं, ना आम आदमी पार्टी डरने वाली है, ना मनीष सिसोदिया डरने वाले हैं, ना हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला है। जो काम केजरीवाल जी दिल्ली के बच्चों के लिए कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। तुम्हारी हताशा जरूर सामने आती है। देश में इस समय मुद्दा क्या है? महंगाई से जनता कराह रही है। संजय सिंह की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें संजय सिंह की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी की बंदर घुड़कियों से हम डरने वाले नहीं, कटघरे में बीजेपी को खड़ा करते हुए कि बीजेपी दरअसल दिल्ली सरकार का जो शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल है उसको रोकना चाहती है, लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य मॉडल नहीं रुकेगा, आगे बढ़ेगा। देश के सामने इस वक्त समस्या महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन केंद्र सरकार उन समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। केंद्र सरकार का पूरा फोकस इस वक्त अरविंद केजरीवाल पर है, क्योंकि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल से डर गई है। अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से मोदी सरकार डर रही है, ये कह रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि मोदी सरकार समझ गई है 2024 का जो चुनाव है दरअसल वो मोदी वर्सेस केजरीवाल होना है, और इसीलिए आम आदमी पार्टी को परेशान करने के लिए ये केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग। तो बंदर घुड़कियों से आम आदमी पार्टी नहीं डरने वाली, ये संजय सिंह की तरफ से कहा गया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कह रहे हैं सरकार को महंगाई की चिंता नहीं है, सरकार को बेरोजगारी की चिंता नहीं है, सरकार रोज ये प्लान करती है कि किस तरीके से जो विपक्ष की सरकार है उसके काम में रोड़ा अटकाना है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।